everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be from Amazon. So Amazon से मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक की है और कुछ आउटफिट्स है, कुछ रैंडम चीज़ें हैं. सो आपको आज का वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है, आई नो. सो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने मिले. आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना. बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया है यूट्यूब ने, लाइक करना. अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आया. ओके, सो प्लीज़ डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. और जो भी मतलब प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आज के वीडियो में, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सो गो एंड चेक माई हॉल स्टोर लिंक, वहाँ से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आउटफिट इज़ दिस वन. सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गोस्ट्री की और साइज़ मैंने इसमें मीडियम पिक किया हुआ है. मीडियम से ही स्टार्ट होता है और ये जो कुर्ता है ना, मुझे एज़ पर प्राइस काफ़ी अच्छा लगा. इसकी क्वालिटी, इसका कलर, एवरीथिंग इज़ गुड. सो येस, और इसका जो फैब्रिक है ना, दिस इज़ समॉट लाइक कॉटन ब्लेंड मटेरियल. ओके, और ये कुछ इस तरह से है ये कुर्ता. इस पर ना जो भी आप काम देख रहे हो, ये ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी है, वाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है और नेक एरिया पर भी है इस तरह से. और ये फैब्रिक जो है ना, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. इवन स्लीव्स पर इस तरह से वर्क किया गया है. सो यू कैन सी इट इज़ गुड इन क्वालिटी. और साइड कट प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी इस तरह से काम किया गया. मतलब ये जो वर्क है ना, दिस इज़ ऑल एम्ब्रॉयडरी, दिस इज़ ऑल थ्रेड वर्क. ओके, और बैक साइड से जो है ना, ये कुर्ता पूरी तरह से प्लेन है. तो इसके नीचे आप वाइट बॉटम पेयर अप कर सकते हो, इट विल लुक ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस दिस आउटफिट. अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है, ये वर्क पसंद आ रहा है, सो डेफिनेटली गेट दिस. इसमें अभी सारे साइजेस अवेलेबल है आई गेस, सो डोंट मिस योर ओन साइज़. ओके, सो येस, आई लव दिस आउटफिट. डेफिनेटली आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए. सो इसके बाद जो कुर्ता है, एक्चुअली कुर्ता सेट है. ये जो आउटफिट है ना, ये मैंने एक्चुअली बहुत पहले दिखाया है अपने चैनल पर. इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल इडालिया. और पता नहीं मेरे पास ना ये सेम आउटफिट होगा भी मेरे स्टूडियो में कहीं पर, तो बट मुझे ना इतना पसंद आया था ये कि अब मुझे ना ये मिल नहीं रहा है कहीं पर. इसमें मैंने पिंक भी बाय किया था और मैंने ये ग्रीन पेस्टल ग्रीन कलर भी बाय किया है. सो दिस इज़ द वन. सो ये कुर्ता सेट है एक्चुअली, और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. दिस इज़ प्योर कॉटन. सो एंड इट इज़ गुड फॉर एनी एज ग्रुप. कोई भी एज ग्रुप हो, आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हो. लुक एट दिस. सो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट कुर्ता सेट है. ग्रीन कलर पर, पेस्टल ग्रीन कलर पर इस तरह से ना वर्क किया गया है, आई मीन प्रिंट किया गया है. सो द प्रिंट इज़ इन रस्टी ऑरेंज शेड, ग्रीन कलर से भी है. और नेक एरिया पर इस तरह से गोल्डन जो है ना लेस वर्क किया गया है. और स्ट्रेट कुर्ता है ये, साइड कट प्रोवाइडेड है. इवन यहाँ नीचे भी इस तरह से लेस वर्क है. फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट दिस लुक. ओके, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है ये, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. और पीछे इस तरह से ना हुक भी दिया है, ठीक है, तो पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके साथ जो बॉटम है, इट इज़ इन सेम फैब्रिक, सेम कलर, एवरीथिंग इज़ सेम, बट दिस इज़ प्लाजो. और इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है एंड पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. ओके, एंड दिस इज़ अ प्लाजो. यहाँ नीचे इस तरह से लेस वर्क किया गया है, गोल्डन लेस वर्क. सो डेफिनेटली बाय कर लेना. आई एम इन लव विद दिस आउटफिट फॉर इट्स कलर. डेफिनेटली मुझे ये कलर काफ़ी सुंदर लगा. सो इन केस यू आर लाइकिंग इट, गेट इट फॉर योर सेल्फ. सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ गिर गया, सब कुछ गिर गया नीचे. सो इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड क्लोसिया और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. ओके, सो ये कुछ इस तरह से है आउटफिट. फ्लोरल है बट कलर्स आर डिसेंट, सो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. एंड इसका जो मटेरियल है ना, दिस इज़ कॉटन ब्लेंड मटेरियल. लुक एट दिस. सो ये जो कुर्ता है, इस पर ना ग्रे बेस, इसका ग्रीनिश जो ग्रेश शेड नहीं होता वैसा वाला बेस है. और उस पर ना इस तरह से प्रिंट किया गया है पूरी तरह से कुर्ते पर. सो लुक एट दिस. और यहाँ पर साइड्स है ना, साइड कट प्रोवाइडेड है. फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस लुक, प्रिंटेड लुक है.
और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड। इवन यहाँ पर भी इस तरह से प्रिंटेड लुक है। और इसके साथ जो बॉटम है इट इज़ हैविंग द सेम प्रिंट, सेम कलर, एवरीथिंग इज सेम। और इस तरह से बॉटम है, सो दिस इज़ अ पैंट एक्चुअली, फैब्रिक भी सेम ही है। इलास्टिक प्रोवाइडेड है, इट इज़ नॉट हैविंग पॉकेट, ओके। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दिस इज सच अ नाइस मटेरियल, मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका। इट इज़ कॉटन, बट बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन नहीं होता, वैसा वाला है। बट दुपट्टा यार सच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लुक एट द कॉम्बिनेशन, ओके। सो गेट दिस, सो काफ़ी अच्छा है, इट इज़ गुड ओवरऑल, सो यू शुड ट्राई दिस इन केस यू आर लाइकिंग द कॉम्बिनेशन। और कुछ डिफरेंट है कॉम्बिनेशन सारे जो आउटफिट हम देखते हैं उससे, सो यस कैन गेट दिस। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है ये कुछ इस तरह से है, ओके। और काफ़ी अच्छी तरह से पैक होकर आया था। सो ब्रांड नेम इज़ नायक्सा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो दिस नेम, बट ये इस पर ब्रांड नेम लिखा नहीं है। बट ये कुर्ता सेट कुछ इस तरह से है, लुक एट दिस। सो द मटेरियल इज़ पॉलिस्टर मटेरियल, बट लुक एट द प्रिंट, इट इज़ यूनिक और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट है, ठीक है। और नेक एरिया कुछ इस तरह से है, विच इज़ अगेन डिफरेंट साइज़, मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है इसमें। और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, दिस इज़ पॉलिएस्टर मटेरियल, अगेन आई एम जस्ट यू नो क्लियरिंग दिस थिंग टू यू। पॉलिएस्टर क्रेप, मतलब आप एक बार चेक कर लेना, बट वैसा ही इसका फैब्रिक है। बट इट इज़ गुड क्वालिटी, इज़ नॉट बैड एट ऑल। और यहाँ पर इस तरह से फ्रिल दिए हुए हैं, दिस इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता, ओके। और इस तरह से कॉटन इनर प्रोवाइडेड है, बैक साइड से भी इस तरह से आपको लुक मिल जाएगा, विच इज़ प्रिंटेड अगेन, ओके। सो डेफिनेटली ट्राई इट। इसके साथ जो बॉटम है इट इज़ इन दिस ग्रीन कलर, पेस्टल कलर है, एंड इट इज़ हैविंग इलास्टिक इस तरह से। साइड पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड, सो इट इज़ गुड। इस तरह से पैंट भी प्रोवाइडेड है, और आई मीन पैंट स्टाइल है ये। इसके साथ जो दुपट्टा है ये अलग से रैप होकर आया है इस तरह से प्लास्टिक में, सो द दुपट्टा इज़ सो सॉफ्ट, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एंड दिस इज़ इन शिफॉन मटेरियल, बहुत ही शाइनी फैब्रिक है, और इस तरह से ना लेस वर्क भी किया गया है, सो डेफिनेटली यू शुड गेट दिस, ओके। ये कुर्ता सेट मतलब जिनको इस तरह के स्टाइल पसंद है पहनना, वो आप डेफिनेटली मतलब बाय कर सकते हो अपने लिए। आई लव द फैब्रिक ओवरऑल, इट इज़ नॉट बैड, एंड फॉर द प्राइस इट इज़ गुड, ओके। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ अ कुर्ता सेट अगेन। ये ना मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स ने दिखाया है, सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस। एक्चुअली मैं इस तरह की कलर्स नहीं पहनती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं, बट बहुत लोगों को पसंद आते हैं इस तरह के शेड्स, सो इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस टू यू। सो इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गोसरी की, और साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है इसमें। और ये जो है ना ये रेयन मटेरियल में है, और ये कुर्ता सेट मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से है, सो इसमें सारे मतलब बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे नहीं, आई मीन दो कलर्स यूज़ किए गए, पिंक एंड ऑरेंज, और उस पर इस तरह से प्रिंट किया गया है टाई एंड डाई, ठीक है। फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लोई है, साइड कट प्रोवाइडेड है, और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस लुक, ठीक है। सो नॉट बैड एट ऑल। इसके साथ जो बॉटम है ये इसमें इलास्टिक प्रोवाइडेड है, पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड एट द राइट साइड, ओके। एंड पैंट पर भी सेम आपको प्रिंट मिल जाएगा जो को कुर्ते में मिल रहा है, सो पूरी तरह से ये सेम है, ठीक है, कुर्ता और इसका बॉटम। नेक एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका नेक एरिया पे थोड़ा सा वर्क है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़, इस तरह से नेक एरिया पर वर्क किया गया है, लेस वर्क है यहाँ पर,
सो नाइस, नॉट बैड एट ऑल. सो यू कैन गो फॉर दिस वन इन केस आपको ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है. बहुत लोगों को इस तरह के शेड्स और कॉम्बिनेशंस पसंद आते हैं क्योंकि ब्राइट होते हैं और यू नो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं. सो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो. इसके बाद एक और आउटफिट मैं आपको दिखाऊंगी और ये जो मैंने पहना है दिस इज़ एक्चुअली ये पुलओवर है. तो आप अगर इसका लिंक चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैंने वीडियो लिंक शेयर कर दिया है इसका. विंटर्स चल रहे हैं तो इसलिए आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है. सो यू कैन गो फॉर दिस. सो नेक्स्ट जो है दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड अहिका और ये इस तरह का कुर्ता सेट है. बहुत सारे यू नो लाइट शेड आजकल ऑफिस के लिए भी चल जाते हैं और डेली वेयर के लिए भी, डेली यूज़ के लिए भी चल जाते हैं. सो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया. सो दिस इज़ कॉटन ब्लेंड मटेरियल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन. साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है इसमें एंड दिस इज़ अ कुर्ता सेट. ओके सो राउंड नेक प्रोवाइडेड है. इस तरह से 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है. यहाँ पर इस तरह से लेस अटैच्ड है. सो फैब्रिक इज़ रियली नाइस और साइड कट प्रोवाइडेड है. यहाँ पर भी इस तरह से लेस वर्क है. साइड कट प्रोवाइडेड है ठीक है. एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंटेड लुक अगेन. बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड इसके साथ जो बॉटम है कुछ इस तरह से प्रिंटेड है. ओके सो प्रिंटेड बॉटम है. इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है और टाइप भी दिया हुआ है. साइड कट प्रोवाइडेड है, आई मीन साइड पॉकेट प्रोवाइडेड है राइट साइड में. ओके प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे बॉटम का. और ये पैंट स्टाइल है. फैब्रिक इज़ रियली नाइस और इसके साथ जो दुपट्टा है ये प्योर कॉटन दुपट्टा है. सो लुक एट दिस. सो इस तरह से ये दुपट्टा है. कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो दोज आर लाइकिंग दिस कलर डेफिनेटली पिक दिस. प्रिंट अगर आपको पसंद आ रहा है इसका, बट ये डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. लुक एट दिस. कॉटन है इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से. प्रिंटेड है जो भी प्रिंट यूज़ किया गया है कुर्ते और बॉटम में, वो प्रिंट यूज़ किया गया दुपट्टे में भी. एंड दिस लुक्स नाइस ठीक है. सो गेट दिस. सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ. एक्चुअली ना मैं परफ्यूम लवर हूँ. मुझे डियो परफ्यूम बहुत पसंद है और लास्ट वीडियो में मुझे ना 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप और परफ्यूम और डियो सजेस्ट करो. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है. अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना. लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं अफोर्डेबल भी एक ऑप्शन दूंगी और एक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी दूंगी क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भी ट्राई करना पसंद है. मतलब आई कैन इन्वेस्ट इन परफ्यूम्स. मुझे वो फ्रेग्रेंस और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और डिफरेंट परफ्यूम ट्राई करना ये मेरी हॉबी है. मुझे बहुत पसंद है. जैसे मुझे वॉच अलग अलग पहनना पसंद है, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई करना पसंद है. वैसे ही परफ्यूम्स को लेकर भी है, बैग्स को लेकर भी है. और मतलब नेसेसिटीज़ जो होती है, जो दिखती है चीज़ें वो, और जो हम फ्रेग्रेंस जो फील कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. सो मेक श्योर अगर आप परफ्यूम्स यूज़ करते हो सो आप एक हाई एंड परफ्यूम भी आपके पास ज़रूर रखें जो कि यू नो जिसका फ्रेग्रेंस सच में बहुत ही वर्सटाइल हो. सो आई सजेस्ट यू द फर्स्ट वन. पहले मैं स्टार्ट करूँगी डियो से. नाउ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड प्योर सेंस. ओके सो ये है डिज़ायर मेडागास्कर वेनीला बॉडी स्प्रे. ठीक है सो इसमें वेजिटेबल ओरिजिन अल्कोहल कुछ भी नहीं है. ठीक है और यस और ये जो प्रोडक्ट है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है. वेनीला फ्लेवर कैसा होता है, वेनीला फ्रेग्रेंस कैसी होती है, वैसा वाला फ्रेग्रेंस है इसका और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. और ना सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी इसकी, कि ये लॉन्ग लास्टिंग है. सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इसके शेल्फ लाइफ भी 3 साल की आती है. सो आप अगर ये बॉटल भी परचेज़ करते हो सो काफ़ी टाइम तक चलेगी, ख़त्म नहीं होगी. एंड द फ्रेग्रेंस इज़ अमेजिंग. ओके सो दिस इज़ नॉट डियो, दिस इज़ स्प्रे एक्चुअली. ठीक है एंड आई जस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है.
और वनीला फ्लेवर नहीं होता वैसा वाला फ़्लेवर है। आप देख सकते हो कि इसमें ना डीओ है, मतलब जैसे मैंने स्प्रे किया तो इसमें ना वो ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, गैस नहीं है इसमें, सिर्फ परफ्यूम है, प्योर स्प्रे है। सो यस, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। आई लव द फ्रेगरेंस वनीला, अगर आपको यू नो फ्रेगरेंस पसंद है, फ्लेवर पसंद है, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अपने लिए। सो इसके बाद जो मैं आपके लिए शेयर करूँगी वो है एक एक्सपेंसिव परफ्यूम। एक्चुअली मैंने ना ऑफलाइन बाय किया था जिमी चू जो ब्रांड है उससे, और मुझे ना मतलब डिफरेंट ब्रांड्स मैंने ट्राई किए, सो मुझे एक और ब्रांड मिला और वो है कैरोलिना हरारा। मुझे इसके परफ्यूम भी बहुत पसंद है, बट मैंने ये नहीं परचेज़ किया था, मैंने जिमी चू का एक परफ्यूम है वो परचेज़ किया था, लेकिन उन्होंने मुझे सैम्पल्स दिए थे जो मुझे पसंद आए थे उसके भी। सो तीन या चार सैम्पल्स मुझे उन्होंने इसके दिए थे। सो दिस इज़ गुड गर्ल कैरोलिना हरारा न्यूयॉर्क प्लश। ओके, सो ये जो परफ्यूम है ना, दिस इज़ टू डाई फॉर। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम लेना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये पाउच है एक्चुअली, छोटू सा ट्रायल पैक है, बट इस पर आप बॉटल देख रहे हो, इस तरह की बॉटल आपको मिलती है, और ये मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है इसलिए, और उसमें रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हो। एंड ये ना जो मुझे ये मिला था ना सैशे, इस तरह से इसे ओपन करना था और स्प्रे करना था, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट इसकी फ्रेगरेंस, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस। डेफिनेटली आप ये परफ्यूम ज़रूर बाय करना अपने लिए, अगर आपको अच्छा लगे, मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे लेने के बाद, एंड ट्रस्ट मी, आपको आप मुझे थैंक्स कहोगे उसके बाद कि यार ये परफ्यूम सही में काफ़ी अच्छा है। मैंने ना ऑफलाइन जाकर बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई किए, जिमी चू मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ना वो थोड़ा सा पार्टी वेयर उसकी फ्रेगरेंस थी इसलिए, बट अगर आपको एक माइल्ड डेली के हिसाब से भी कोई परफ्यूम चाहिए तो आप ये वाला ज़रूर परचेस करना। मुझे जिमी चू से भी ज़्यादा ये पसंद आया। सो यस, दिस इज़ द वन। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस तरह से बॉटल है, आप देख सकते हो, इट इज़ सो अट्रैक्टिव एंड इट इज़ गुड टू गो। ओके, सो गेट दिस। सो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक स्किन केयर। मैंने रिसेंटली बाय किया है फॉक्सटेल से, बहुत मैंने बातें सुनी है इसके बारे में। सो दिस इज़ विटामिन सी सीरम, ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम। मेरे स्किन पर ना बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है और अनइवन दिखती है स्किन कभी कभी, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर रूटीन तो मुझे फॉलो करना चाहिए। मैंने ना डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था और उन्होंने मुझे जो मेडिसिंस दिए हैं, मेडिसिंस इन सेंस जो उन्होंने मुझे जेल और क्रीम यूज़ करने के लिए दिया है, वो तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने इवन आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने डेली यूज़ करना शुरू किया है, माय नाइट टाइम रूटीन इज़ फिक्स्ड, और डे टाइम में भी मैं जो है मॉइस्चराइज़र जो उन्होंने सजेस्ट किया वो मैं अप्लाई करती हूँ, और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है उससे। ओके, सो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ फॉक्सटेल सी फॉर योरसेल्फ ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम, बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन, विजिबली रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। ओके, और इसमें है एस्कॉर्बिक एसिड प्लस विटामिन ई फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके, सो आपका कोई भी स्किन टाइप हो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और इसमें हाउ टू यूज़ दिया हुआ है, जेंटली प्रेस, डोंट रब। ओके, जेंटली प्रेस वन और टू पम्प्स ऑन फेस एंड नेक आफ्टर क्लेंजिंग, ऑलवेज फॉलो अप विद सनस्क्रीन इफ़ यूज ड्यूरिंग द डे। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे ऑब्वियसली आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, और डोंट रब, मतलब आपको ये वाला यहाँ पर ना एक छोटा सा लिड दिया है, ये आपको ओपन करना है एंड टेक दिस ऑन योर पाम। ओके, इस तरह से, आई मीन ऑन बैक ऑफ योर पाम। सो यहाँ पर अब उसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है आपके स्किन पर, और मेक श्योर आप इस तरह से डैब 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 भी करें आपके स्किन में, एब्जॉर्ब होने दें अच्छे से। उसके बाद आप जो है इसे सनस्क्रीन के साथ फॉलो कर सकते हो, अप्लाई सनस्क्रीन। लेकिन मैंने ना इसे नाइट टाइम के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट किया है, सो मैं सनस्क्रीन फिर अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ फेस वॉश करने के बाद आई यूज़ दिस विटामिन सी सीरम एंड देन आई स्लीप। ओके, सो जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए मेडिसिन है वो मैं एक बार अप्लाई करती हूँ और फिर एक बार ये विटामिन सी। सो काफ़ी हद तक मेरे स्पॉट्स कम हुए हैं, एंड दिस इज़ सो लाइट वेट,
ट्राई दिस वन। मैंने इसे 4 या 5 बार ही ट्राई किया लेकिन मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मतलब मैंने अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बाय करना है नहीं करना है। ओके, सो हाउ वाज द वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको सर की बहुत सारे वीडियोज़ देखने मिले, आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो। ओके, सो डू इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया यूट्यूब ने, उसको यूज़ करो, इट इज़ टोटली फ्री। सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। So till my next video, bye and take care.